नमस्कार। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का विचार है। विषय है योगा एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे लगता है ये बहुत ही समसामयिक विषय है और आपको भी पसंद आएगा। मैं इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के संबंध में थोड़ी चर्चा करूंगा, फिर योग में इसकी क्या भूमिका है, योग के विद्यार्थी या योग को अपने व्यवसाय का केंद्र बनाने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये प्रेजेंटेशन, आज की चर्चा सहयोग करेगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले एक बार गायत्री महामंत्र बोलेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्रों, जैसा कि हमने बताया, आज की हमारी चर्चा का विषय है योगा एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसे आज के दिनों में बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, विशेष करके जब 21वीं सदी का दो दशक हम पूरा कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कई सारे लोगों ने इसे अपने व्यवसाय का साधन बनाया है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप का जो अर्थ है वो है उद्यमिता, और दूसरे शब्दों में कहें तो व्यवसाय। भारत में और विश्व में योग के क्षेत्र में इसे बहुत ही ज्यादा, उद्यमिता को या कहिए एंटरप्रेन्योरशिप को, बहुत ज्यादा बल दिया गया है। करीब यदि ये कोरोना काल से पहले का समय हम देखें तो ये व्यवसाय, योग का व्यवसाय करीब 100 करोड़ का है पूरे विश्व में, और भारत में ये केवल और केवल 10 करोड़ तक ही सीमित है। तो समझिए कि विश्व भर में जो चीजें हो रही हैं उसमें, जबकि योग भारत का ही है लेकिन हमारी भूमिका इस क्षेत्र में कम है, तो हम इसे जानना समझना जरूर चाहेंगे कि आखिर हम यहां क्यों पिछड़ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि हमें इसमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है, ये एंटरप्रेन्योरशिप हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। आप देखें तो ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में और ना ही हमारे स्कूल कॉलेज में कभी ये विषय बताया जाता है। हमें बस ये बचपन से बताया जाता है कि बेटा आप पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, और एक बार नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भारतीय संस्कृति की ये सोच और ये परंपरागत सोच गलत है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते हुए जो मानक हैं उनके अनुसार यदि हम अपने आप को नहीं बदलते हैं तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अब हमारे योग के विद्यार्थियों को ही देखिए, वो अक्सर हमसे प्रश्न पूछते हैं, सर हम लोग डिग्री तो ले रहे हैं, आगे क्या करेंगे, जॉब तो आ नहीं रही है। देखिए, जॉब आ तो रही है, इसमें प्राइवेट लेवल पे भी और गवर्नमेंट के लेवल पे भी, लेकिन उस संदर्भ में या कहिए कि उस अनुपात में नहीं आ रही है। और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप
की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि आप देखिए कि जब इसमें स्कोप है तो इस स्कोप को रिटेन क्यों न किया जाए। आपको थोड़े से चैलेंजेस लेने होंगे। भारतीय संस्कृति या कहिए कि हमारी जो परंपरागत शिक्षण पद्धति है उसमें ये नहीं बताया जाता, लेकिन अब जबकि ये बहुत ही ज्वलंत हो गया है तो मैं समझता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उस पर प्रकाश डालना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो योग विषय है, योग में काफी लोग जुड़े हैं, उसमें कुछ नए लोग हैं, नए बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले किसी और जॉब में थे, पहले किसी और फील्ड में पढ़ाई कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि इसमें ज्यादा स्कोप नहीं तो फिर उसके बाद वो योग में आ गए। लेकिन मैं समझता हूं कि और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो रिटायर होने के बाद योग को प्रोफेशन बना रहे हैं। तो हमारी जो जिन्होंने शुरुआत में ही योग को अपना एम ऑब्जेक्टिव बनाया है उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो वहां पे आपका जो अध्ययन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि आपका जो नॉलेज है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर ये चीजें जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो टेक्निकलिटीज हैं ये आपके पास में होना चाहिए। अब योग का महत्व तो है, आप कहेंगे सर आप तो योग वाले थे, आपने योगा कैसे कहना शुरू कर दिया। योग और योगा में कोई खास अंतर नहीं है, अंतर केवल हिंदी और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का है। हालांकि उसमें भी एक तकनीकी समस्या है, सही शब्द तो योग ही है, और योग को यदि हम देखने जाएं तो ये अध्यात्म विद्या है, ये हमारी चेतना को परिष्कृत करने का विज्ञान है, आत्म साक्षात्कार को पाने की विधि है। लेकिन अब जब पूरी दुनिया में व्यावसायिकता का माहौल है, पूरी दुनिया बाजार बन चुकी है, आप देखिए कि हमने पानी बेच दिया है, पैकिंग करके बेची ना, मिट्टी बेच दी, तो बाजारवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला है, तो योग भी बिक ही रहा है। ऐसे में यदि योग के जानकार, खास करके जिन्होंने योग को प्रोफेशन बनाना चाहा है, वो यदि इस बाजारवाद को समझेंगे नहीं तो उनके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए योग को जानते हुए, योग के मौलिक तत्व को जानते हुए कि योग युज धातु से बना है और ये उसका जो मूल युजर योगे, युज संयमने और युज समाधो, इससे अर्थ होता है कि योग का मतलब है समाधि। तो ये ज्ञान की बातें वहां आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए तो अच्छी है, पर जब हम भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें, जब हम इसे प्रोफेशन बनाने की बात करेंगे, तो हमें इस टेक्निकलिटी को समझना जरूरी होगा। यदि हम योग के महत्व को जानते हैं, योग के अर्थ को समझते हैं, तो उससे हमें फॉर्मल लेवल पे लाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि हम देखें तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ही है, योग कर्मसु कौशलम बुद्धि युक्त जहाते है उभय सुकृते दुष्कृते तस्माद योगायुज्यस्य योग कर्मसु कौशलम, यानी परफेक्शन इन एक्शन। हम यदि योग को अध्ययन कर रहे हैं और उसमें परफेक्शन है तो निश्चित रूप से हम उसमें सफलता पाएंगे, और उसी से उस सफलता को हम भौतिक या आध्यात्मिक
जो भी बनाना चाहें दोनों में ही सफलता पाएंगे। तो यदि हम एंटरप्रेन्योरशिप के संदर्भ में देखना चाहें तो योग को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, योग के विद्यार्थियों को, योग को अपने प्रोफेशन बनाने वाले लोगों को, कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सप्लॉइट्स ए कमर्शियल अपॉर्चुनिटी आइदर बाय ब्रिंगिंग ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस टू द मार्केट। यानी सब बाजार में एक ग्रुप द्वारा अपने प्रोडक्ट को इस तरह से लाना कि जो हमारे टारगेट ग्रुप हैं उस तक हम तेजी से पहुंच सकें, अपनी बात पहुंचा सकें। यदि हम अपने सबसे पहले यदि एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो हमारे पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आजकल डिजिटल का जमाना है तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी चाहिए। वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ में वेबसाइट आपकी बन जाएगी। उसके बाद नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, उसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो सबसे पहले है कि आपके नेटवर्किंग के साथ साथ आपके पास में एक टीम होना चाहिए। बगैर टीम वर्क के आप योगा को एज ए प्रोफेशन बढ़ा नहीं सकते। मैं यदि अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहूं कि जब मास्टर्स करने के बाद हमने योग को मार्केट में लेना चाहा, मार्केट में जब हम आए लखनऊ में हमने एक सेंटर शुरू किया था, तो ठीक ठाक लोगों से पहचान होने के बाद भी हम उसे आगे नहीं बढ़ा पाए। वजह क्या रही? वजह ये रही कि हमारे पास टीम मेंबर नहीं थे, मैं ही अकेला था जिसे सेंटर भी संभालना था और अपना मार्केट में प्रचार भी करना था। तो उसमें होता यह है कि प्रचार के दोनों माध्यम होते हैं, एक जब आप डोर टू डोर जाकर योग सिखाते हैं और फिर जब उनको लगता है कि भाई यहाँ ठीक नहीं हो रहा तो आप उनको सेंटर में बुलाते हैं। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग आपके सेंटर में आते हैं और कहते हैं जी यहाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमारे घर पे आके बताओ। तो हमारे पास में वो टीम मेंबर होना चाहिए जो जाकर के उनके घर तक सिखाए। तो दोनों ही स्थितियों में हमें क्या चाहिए? हमें टीम वर्क चाहिए। अब दिक्कत क्या होती है हम योग वालों के साथ में कि हम बड़े सीधे साधे लोग होते हैं। कितने सीधे होते हैं तो इंडिविजुअल अलग अलग इंडिविजुअल पे निर्भर करता है, लेकिन फिर भी हम सीधे होते हैं और हम डरते हैं कि यदि हमने इसको प्रमोट किया तो ये आगे बढ़ जाएगा। उसे डर होता है कि यदि इसने डील करी तो ये हमारे पैसे ले भागेगा, हम पता नहीं घाटे में आ जाएंगे। तो यहां पे क्या है, थोड़े से बड़े दिल दिखाने की आवश्यकता है। एक जो मार्केटिंग करने जा रहा है और एक जो सेंटर में बैठ करके डीलिंग कर रहा है, दोनों को ही एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए पहली बात। और यदि भरोसा नहीं भी है, मान लीजिए आपने 4-5 का एक ग्रुप बनाया जिसमें एक बंदा तो मैनेजमेंट का होना चाहिए, एक बढ़िया कम्युनिकेशन वाला होना चाहिए, एक आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए, तो फिर यदि आपका टीम वर्क बटा हुआ है तो फिर फेलियर होने के चांस कम है कि वो अपने अपने एरिया में लगे हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और वो यदि अपने उनको ये है कि वो उसके एरिया में काम में दखल नहीं देगा, वो उसके दूसरा जो है पहले के एरिया में दखल नहीं देगा, तो फिर इस तरीके से आपको समस्या कम आएगी। या कहिए कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपके फेल होने के चांस कम होंगे। दूसरा है रैप अप। पहले तो है क्रिएटिंग वेबसाइट पहले स्टेप पर, दूसरे स्टेप पर है कि नेटवर्किंग, तीसरे स्टेप है टीम वर्क, चौथा स्टेप है रैप अप। आपने जो कुछ भी अपना रेपुटेशन बनाया है उसकी पैकेजिंग करिए और उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए और
अंतिम है लर्न विद द फेलियर। जब भी आप अपने उस एरिया में फेल करते हैं तो उससे उसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए उस पर जरूर विचार करिए। जैसा कि मैंने अपने विषय में बताया कि जब हमने लखनऊ में सेंटर शुरू किया था तो वो चल नहीं पाया, तो हमारे फेलियर से सीखिए, जो अनुभवी लोग हैं उनके माध्यम से जानने और उसको आगे ये गलती न दोहराएं इसका प्रयास करिए। अब हम बात करेंगे कि इसमें स्कोप कहाँ कहाँ है। देखिए, एक तो जो घर घर तक पहुंच करके योग सिखाने का टीचिंग जिसको कहते हैं, टीचिंग के माध्यम से, उसके बाद है ट्रेनिंग, बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे आप अपने सेंटर को डेवलप कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन के साथ डेवलप करें, फिर आपने क्या करना है कि अभी आपको कई जगह पे देखेंगे कि ट्रेनर्स की आवश्यकता है। जितने भी अच्छे अच्छे टीम्स हमारे खेल रहे हैं अलग अलग खेलों के, उन सबको योगा ट्रेनर की आवश्यकता होती है, योगा कोच की आवश्यकता होती है। तो आप अपने आप को, अपने सेंटर को उस तरीके से डील करिए, डेवलप करिए कि आपके यहाँ से केवल ट्रेनर्स जाएंगे और वो डिफरेंट स्पोर्ट्स के लोगों के मदद करेंगे। आप अपने वेबसाइट को कुछ इसी तरह से डेवलप करिए कि टीचिंग वाला एरिया तो आपने आसानी से समझ लिया, लेकिन इस बार ट्रेनिंग वाले में क्या है कि जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को समझेंगे, उस अलग अलग स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट बनाएंगे, फिर उसके लिए उसको क्या आवश्यकता है, उसको अपने गेम पे कैसे फोकस करे, कैसे वो अच्छे से अच्छा अचीव करे, उसमें आपका योग कैसे मदद करेगा, तो इन चीजों को लेकर के आप अपना स्पेशलाइजेशन डेवलप करिए। और फिर आप एक जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो ट्रेनिंग के रूप में डेवलप हो सकता है। तीसरा हो सकती है राइटिंग, किताब लेखन। कई लोग अपने खुद नहीं लिख पाते हैं, तो आप योग के जानकार हैं, आपको लिखने में मजा आता है, तो आप अपने उस सेंटर को राइटिंग के लिए डेवलप कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन आप डेवलप कर सकते हैं। चौथा एरिया है कंटेंट राइटिंग का। एक तो पुस्तक लिखने वाला हो गया, वो जो कंटेंट राइटिंग है, कई सारे जो आप वेबसाइट्स देखेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को यदि आप लेने जाइए तो देखेंगे कि वो ज्यादातर रिपीट हो रहे होते हैं। इस वेबसाइट पे भी वही इंफॉर्मेशन है, इस दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे तो उस टॉपिक को ढूंढेंगे तो वही, एक कंटेंट की बड़ी कमी है। आप यदि आपकी जानकारी अच्छी है, आपने अध्ययन अच्छे से किया है, तो आप इस एरिया में भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। योग के जानकार आप ही हैं और उसे लोगों तक, लोगों को वो कंटेंट चाहिए। अलग अलग वेबसाइट्स को अपने कंटेंट बदलने होते हैं, कई सारे ब्लॉगर्स होते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए कंटेंट राइटिंग करिए, तो आप अपने वेबसाइट को डेवलप करिए कि हम आपके कंटेंट लिख करके देंगे, आपको जैसा चाहिए वैसा हम लिख के देंगे, बताएंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा है जैसे YouTube वीडियोज हैं, वो तो बहुत सारे बनाए जा रहे हैं अलग अलग एरियाज में, थेरेपी को लेकर के। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि नीम हकीम खतरा जान ना हो। फिर YouTube के माध्यम से कंटेंट क्रिएटर भी बहुत सारे हैं, अब तो मैंने देखा है कि रील भी बन रहे हैं, जैसे नेचुरोपैथी से लेके एक्यूप्रेशर से लेके छोटे छोटे टिप्स बनाए और उस छोटे टिप का एक छोटा रील बना करके उन्होंने रील पे डेवलप करके वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देते हैं। और अंतिम है एक आजकल जो सबसे ज्वलंत है, ऐप। ऐप बना करके भी आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको बेच सकते हैं। प्रोडक्ट में कई चीजें आती हैं, जैसे आप योग करते हुए, योगा के क्लासेस लेते हुए, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पर अपने जो आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करते हुए, तो ऐसे कई सारे अभी ऐप जो है डेवलप भी हो रहे हैं और पॉपुलर भी हो रहे हैं। तो बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें आप अपने उस एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से काफी सारा धन संग्रह कर सकते हैं, अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो
इस विषय पे और भी विस्तार से हम कभी जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आप अपने कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर हमें लिख के भेजिए और अगले वीडियो में हम उसका जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।